अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कतर खबर यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर आ रही है मिनिस्ट्री के तरफ से दो लोगों को अरेस्ट किया गया है। जैसा कि खबरों को आप पढ़ सकते हैं, टू मैन अरेस्टेड फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शेयर वीडियो ऑफ ड्रग ब्रश सीन। साथियों, कतर की मिनिस्ट्री की तरफ से शख्स को गिरफ्तार किया गया, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको उसमें जूम करके दिखा रहा हूँ। साथियों, यहाँ पे दोनों शख्स जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा था, यानी नशीली पदार्थ को एक बेच रहा था और एक खरीद रहा था, जिसके बाद CCTV कैमरा में दोस्तों दोनों को वहाँ पर कैप्चर किया गया था वीडियो को, और दोनों शख्स को अरेस्ट किया गया था ड्रग ट्रैफिकिंग करने के आरोप में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से उन दोनों का फोटो, उन दोनों का वीडियो जो है फिलहाल अभी शेयर किया गया सोशल मीडिया पर। यदि आप जाकर देखना चाहते हो तो उनकी सोशल मीडिया पर फोटो वगैरह भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो राइट साइड में जहाँ पे एक कार खड़ी है व्हाइट कलर का, जहाँ पे दोनों बंदे जो हैं एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से दोस्तों वीडियो को शेयर किया गया ताकि लोग देख सकें। अगली खबर आ रही, कतर सेलिब्रेट ईद उल फित्र विद फेस्टिव जॉय कल्चरल डिलाइटेड। साथियों, कतर में जो है आज लास्ट ईद उल फित्र का सेलिब्रेशन होगा। तो आप लोग जो भी हो कतर में मौजूद हो, क्योंकि आज ईद की तीसरी दिन है, तो यदि आप लोग जाना चाहते हो कतारा वगैरह चले जाइए, लूसेल चले जाइए, इन सभी जगहों पे काफ़ी आतिशबाजियाँ होंगी। तो यदि आप लोग जाना चाहते हो देखने, खूबसूरत नज़ारा देखना चाहते हो, जाकर देख सकते हो। क्योंकि तीन दिन का ही दोस्तों ये था, तो तीन दिन हो चुका है, मान के चलिए 10 तारीख 11 तारीख और 12 तारीख, यानी 10 11 12, तीन दिनों का दोस्तों ये फेस्टिवल था। तो आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हो, ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली किया गया है। अगली जो खबर आ रही, कतर इंडिया ट्रेड वॉल्यूम एक्सीड 65 बिलियन कतर रियाल इनवॉय। साथियों, वीडियो को सुन पे जैसा कि आप देख सकते हो, इनका नाम है विपुल, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया, जो कि इंडिया के एम्बेसी हैं। उनके तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया और कतर का जो ट्रेड वॉल्यूम यानी बिजनेस का जो ये है उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 65 कतरी बिलियन कतर रियाल। क्योंकि कतर और इंडिया के बीच में LNG और LPG का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है एक दूसरे को। तो साथियों, इससे क्या हो रहा है कि इंडिया और कतर के रिश्ते और भी ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से दोस्तों एक कुछ फोटोज़ वगैरह शेयर करते हुए कहा गया है कि कतर में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से इलेक्ट्रिक का स्कूटर लोगों को दी जा रही है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड उन लोगों को बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक के स्कूटर को चलाते समय, इस्तेमाल करते समय आपको क्या किन किन बातों को आपको ध्यान देना है, क्या क्या आपको देखना है। जैसा कि दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हो, हेलमेट वगैरह पहनना, जूते वगैरह पहनना, ट्रैफिक का खास ध्यान देना, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही आप स्कूटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगली जो अपडेट आ रही कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही, कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि कतर में भारी वहाँ पे बारिश होने की संभावना, तेज़ हवाएं चलने की संभावना पूरे हफ्ते दोस्तों हो सकती हैं। तो आप लोग जो भी कतर में मौजूद हो थोड़ा संभल के रहिए, ध्यान के रहिए, ताकि ये सब चीज़ें आप बच सके। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथ में स्टूडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।